How are we doing? Hi. What's up? Hi. Hi, sweetheart. How are we doing? Good to see you here. Hello, everyone. I will wait for all of you to join me. Who all is here? At least say hi to me. Hello. Can you see me? Hi. Hello, hi. Hi, I'm waiting some more of you to join me here and then we go forward. Hi there, hi Praveen. Praveen? Praveen. Hi darling, hi Mohammed. Hi, I'm reading this book. जरूरत मुझे बहुत पसंद है, बस ये खत्म करने वाली हूँ मैं.
Hi everybody, how are we doing today? Hi, such a long, long time. कैसे हो आप लोग? हाय शशांक, गुड टू सी यू. हाय हाय स्वीटहार्ट, व्हाट्स अप. हाँ हाय, हाउ आर वी डूइंग? हाय एवरीबॉडी, व्हाट्स अप? हाय, सो गुड टू सी यू. आई हैव बीन अवे फ्रॉम यू फॉर अ व्हाइल, बट नाउ आई एम बैक एंड हियर आई एम टॉकिंग टू यू. क्या चल रहा है? हाउ आर यू डूइंग? हाय मुजम्मिल, मुजम्मिल राइट, नाइस टू मीट यू. हाउ आर यू? हाउ आर यू? तुम्हारे सूप पियेंगे? मेरा डिनर नहीं हुआ अभी तक. आज कोई फिल्म देखी है आपने? मैं ना कल रात को 11 बजे लैंड, 11 नहीं 1 बजे लैंड किया. फ्लाइट मेरी 10 o'clock की थी. लेट होते होते 11 बजे के हो गए. केम होम बाय लाइक 1 o'clock एंड व्हेन आई केम द हाउस वाज लाइक अ मेस, बट भोपाल वाज फन. हैव यू बीन टू भोपाल? आप गए हो कभी भोपाल? यस और नो, कमेंट्स तो करो. नो आई हैव नॉट. इतनी खूबसूरत जगह है ना, इतनी ज्यादा हरियाली है वहां पे. एंड इट आल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ लाइक यू ना, अब इट्स लाइक अ प्लेस जहां पे आप एकदम काम को भूल करके ना सिर्फ रिलैक्स करने जाते हो और आपको बहुत मजा आए. इट्स अ प्लेस लाइक दैट. क्या हो रहा है? आपको पता है टोमेटो सूप के फायदे क्या है? अगर आपको नींद नहीं आती है ना, और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, देन टोमेटो के अंदर विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है, जो कि आपको एक तो स्ट्रेस रिलीफ में बहुत हेल्प करता है और स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है. इट समहाउ हेल्प्स द मेलाटोनिन टू ग्रो एंड एक्चुअली पुट यू टू गुड स्लीप. तो अभी डाइट पे वापस आ गई हूँ मैं. कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर वी? व्हाट्सअप. हाय, आई मिस यू. डिड यू मिस मी? हाउ आर यू डूइंग शशांक? क्या चल रहा है? हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? क्या चल रहा है आजकल? व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू? हेलो, हाय हाय स्वीटी, इट्स फाइन. कैन आई सिंग अ सॉन्ग फॉर यू? शैल आई स्टार्ट विद अ सॉन्ग? व्हाट डू यू वांट टू हियर? टेल मी. Let me start this evening. Song. Hi. कौन सा गाना सुनेंगे आप? What song would you like to hear? तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर, असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पर यही है दुआ. हटाए हेयर ओपन. आंखों में तेरे अजब सी अदाएं हैं, हाँ आंखों में तेरी
जब से हराए हैं दिल को बना दे जो पतंग, सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं। हाय, व्हाट्स अप? इतना शांत क्यों आज? क्या हुआ? व्हाई एम आई नॉट फीलिंग योर एनर्जी टुडे? क्या हुआ बेबी? एवरीथिंग ऑल राइट? ऑल ओके विद यू? मुजम्मिल, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मुझे आप में से बहुत कम लोगों का आवाज आवाज मतलब कमेंट आ रहा है। आई नीड टू हियर यू, कम ऑन स्वीटहार्ट, व्हाट्स गोइंग ऑन? दिस इज बेटर। हाय सुपर फैन, व्हाट इज योर नेम? ओह श्योर, यू वर देयर, वेयर वर यू गॉन? यू टुक योर व्हाइल टू सेंड मी अ कमेंट। हाँ, अब लगा ना एनर्जी आई, लो लो गए। नाउ शॉ इज ऑल्सो हियर। महंतेश, इतना लंबा नाम है आपका। इतने दिन मैं कहाँ थी? आई वॉज इन भोपाल, देन उसके पहले आई वॉज इन हैदराबाद, आई वेंट टू सी माई फिल्म। आपको मालूम है मैंने ना वो किया, व्हाट डू यू से, हैदराबाद जाकर के मैंने एकदम सिंपल सा सूट पहन करके नो यू आर नॉट काफी ज्यादा नीड, यू आर फाइन। ओहो, आई थिंक आई एम मिसिंग सम ऑफ द टेक्स्ट मैसेजेस एंड आई एम गेटिंग सम, आई थिंक दैट्स द इशू। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट यू नो आई वेंट टू हैदराबाद ऑल द वे फ्रॉम हियर जस्ट टू सी पीपल्स रिएक्शन इन थिएटर्स ऑन ना पेरू सीसा, and it was such a nostalgic feeling, it was such a wonderful feeling. Even some of my fans also came from Bombay all the way to Hyderabad and they saw the film. Sukanya also came. It was a great feeling actually to experience all of that, and it was worth it. And you know the bestest part was that my brother came along, Pranjal came along, and Pranjal ke saath mein mera bond jo hai वो टच वुड बहुत अच्छा हो गया है वापस से, बिकॉज वी कुड ट्रैवल टुगेदर आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड या इट वॉज गुड फन। एंड देन आई वेंट टू भोपाल टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ ना पेरू सीसा विथ माई ब्रदर एंड माई कजन्स बिट्टू एंड शीनू। सो दे आर माई बेस्टेस्ट पीपल एंड वी हैड लाइक अ गाला टाइम एंड इट वॉज अमेजिंग। आपने क्या किया? Yes, our commitment is releasing on 19th of August, and I wanted to see. It is one of the very first films that I signed. I don't know how I feel about it right now, but I hope that it does well. Film को काफी टाइम हो गया है, बिकॉज लॉकडाउन आ गया था ना बीच में, सो द रिलीज वॉज ऑन पॉज। ओह श्योर, आंट यू द बेस्ट, आंट यू अमेजिंग, you are the sweetest. Oh wow, nice. The Hindi version is coming soon, guys. The Hindi version of Rama Rama Duty is going to release soon. मैंने भी फिल्म देखी एंड आई हैड टू गेट बैक इन द मिडल ऑफ द थिएटर्स बिकॉज फैंस धीरे धीरे पहचानने लग गए थे वहां पे, सो आई हैड टू कम आउट। वेट, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट माई चार्जर। This is my other room. I think it's Shreya Ghoshal, ma'am, only. I'm assuming so. I don't know. I'm assuming so. It's her. By the way, hi guys. Hello. Good to see you. Good to see you.
I know. I wanted to sing. I wanted to sing what they want. I didn't offer actually. I didn't ask. After but bataao. Wait a second. Okay. So this is my diary. मेरी लाल किताब जिसमें मैं क्या लिखती हूँ. Gratitude, cold grip. Oh, nice. Forecast. Right. So इसमें मैंने ना वो लिखा हुआ है, एक्टिंग की फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में लिखा हुआ है, ग्रैटिट्यूड के बारे में लिखा हुआ है. आई ऑलवेज राइट 10 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर. तो जब मेरी मेन डायरी नहीं मिल रही होती है तो मैं इसमें लिखती हूँ. एंड या के सिनेरियोस. ओके. या सो मच वर्क इज डन. डू यू राइट? आपको लिखना पसंद है? Oh, that is so sweet. Aren't you the best? Nice. Aren't you the most adorable, adorable people? Aren't you the best? Hi. I have to dedicate a song to you, Sashank, hai na? So here I'm gonna dedicate a song. Is there any particular song that you want me to sing for you? Hi, I saw you're from Bangalore. How nice. Lovely. I think I'm going to be traveling to Bangalore very soon for that. Anyway, what I was saying is Gana that I have to sing for you. And okay, there's that. तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही जिंदगी कहलाती है, हर खुशी रा 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 रा, तुमसे ही ना है ये पाना. तेरा ना होना जाने सुशांत. यहाँ बैठी रहूं या अंदर जाऊं? ये देखो, ये मेरा टीवी रूम है. आप देखोगे मेरा रूम? थैंक यू. दिस इज माय प्लेस. दिस आई हैव केप्ट सम ट्रीज हियर. दैट इज माय हॉल. एंड मेरे टीवी के वायर को ना मेरे चूहे ने खा लिया है. डू यू हैव नो आइडिया, माय टीवी इज वर्किंग ऑन अ सिंगल वायर. इतना पतला सा तार है यार इसमें से. एवरीथिंग इज इन हियर. So yes, that's what's happening. And what else is happening with you? क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? कल से मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने वाली हूँ, जिम ज्वाइन करने वाली हूँ समवेयर इन अंधेरी. एंड आई एम गोइंग टू जस्ट गो फॉर सम हार्ड कोर फकिंग ट्रेनिंग बिकॉज आई हैव टू लूज अ लॉट ऑफ वेट. इंस्टा पे मैसेज नहीं कर सकती आपको, आप मेरे मैसेजेस को शो ऑफ करेंगे. बट हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है डायरेक्ट लाइन का, जहाँ पे आपके आंसर्स को बहुत प्रोफेशनली आई कैन आंसर, है ना? सो दैट्स देयर. व्हाट्स हैपनिंग विद यू? और क्या चल रहा है? सुधांशु रसल, रसल ना, रसल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इज इट? लवली. हु एल्स इज हियर? और कौन कौन है? आपको पता है ना, आप सुकन्या की तरह या शशांक की तरह अपना फोटो भी लगा सकते हो, ताकि मुझे आपका नाम दिखाई दे जाए, आपकी शक्ल भी दिखाई दे जाए, मैं आपको देख सकूं. आपको मालूम है, जब भी मैं आपका नाम देखती हूँ ना, समवेयर आई इमेजिन द काइंड ऑफ
फेस यू वुड हैव, एक फीलिंग होती है ना, तो थोड़ा गेस करने की कैसे इंसान है आप या कैसे लगते होंगे कोई भी, इट्स लाइक अ ब्लाइंड थिंग ना, आई डोंट नो हु यू आर हाउ यू आर बट आई जस्ट नो योर नेम दैट्स ऑल। हाय व्हाट्स अप, क्या हो रहा है मेरी जान? हाय स्पिरिट, ओह फॉलो बाय शी आपको, यू आर स्वीट, यू आर सो सो स्वीट। आपकी दोस्तों की शादी हो गई क्या यार? मेरे यहाँ तो आसपास में सबकी शादी हो रही है, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे कजन्स की भी बातें चल रही है, मेरे को बड़ा डर लगता है यार, एंड दे आर लाइक यंगर देन मी है, इतना प्रेशर आता है ना घर घर से। आपके घर वाले करते हैं आपको प्रेशर टू गेट मैरिड? हाँ डू दे प्रेशर यू, डू दे? हाँ करते हैं। परवीन आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? मुझे लगा आपकी शादी हो गई। ओ या, आई एम गोइंग टेक माय ओन स्वीट बिग टाइम टू एक्चुअली गेट इनटू दिस स्टफ, इट्स स्कैरी, इट्स स्कैर्स मी, मैरिजेस आर स्कैरी। व्हाट्स हैपनिंग ना जी? अच्छा नहीं हुई है, ओके ओह शिट, तो कहने तुमको भी आने लग गए क्या शादी के थ्रेट्स? तो मैं दादी दादी लोग तो खैर चाहती हैं बच्चों की जल्दी शादी हो जाए, सो दैट दे कैन सी यू बिफोर दे यू नो दे लूज देयर हेल्थ एंड एवरीथिंग, उनका तो पॉइंट बनता है, आई नो दैट दे डू दैट। अरे पता है क्या, आज ना मैंने वो फिल्म देखी डार्लिंग्स, देखी आपने? देखी क्या? डिड यू सी द फिल्म डार्लिंग्स? इट्स अ गुड वन, हाँ अच्छी फिल्म है। इनफैक्ट पता है क्या, सेकेंड हाफ उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, सेकेंड हाफ थोड़ा सा बोरिंग था, एंड जो जो सीक्वेंस था वो बेकार सा था थोड़ा, मतलब एंड का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा बेकार लगा मुझे, बट अदरवाइज इट वाज नाइस। क्यों थिएटर में रिलीज हुई है क्या कि नेटफ्लिक्स का है सिर्फ? नो ना, सोनी ऑन नेटफ्लिक्स? ओह नाइस, इट्स अ गुड वन। रोशन मैथ्यू इज अ फ्रेंड, ही इज डन अ गुड जॉब, नाइस इट इज। जस्ट जल्दी से मेरा भी ऐसा सीरीज आ जाएगा, पता है आपको गुलकंदा टेल्स आ रहा है अमेजोन प्राइम पे, डेट अनाउंस होने वाली है, शो तो अनाउंस हो गया है लेकिन डेट अनाउंस होना बाकी है, पंकज त्रिपाठी है उसमें, इतना टाइम इसलिए लग गया उस शो को बिकॉज इट हैज सच ह्यूज VFXs, यू हैव नो आइडिया। कोई सोल्यूशन किस चीज़ का बताऊँ मैं, पूछिए जनाब क्या सोल्यूशन चाहिए आपको? फ्रेंड बहुत नाराज है? क्यों, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? पहले तो ये क्लियर करो, मुझसे क्या जबाना? हाँ सही, आपको पता है आपसे कोई भी नाराज हो ना, जब भी कोई भी चीज तभी वर्क करती है जब आप तहे दिल से माफी मांगते हैं। एक होता है फॉर्मेलिटी के लिए माफी मांगना और मैसेज में लिखना, भले ही आप कितना ही बड़ा मैसेज लिख दो लेकिन अगर आप दिल से नहीं फील कर रहे हो ना, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, इतना आसानी से दिख जाता है कि आई नो सुधांशु सॉ योर नेम, इतना आसानी से दिख जाता है कि आप जो बोल रहे हो वो मीन नहीं कर रहे हो, सामने वाला मानता नहीं है। सबसे बढ़िया सजेशन ये रहेगा कि पेन और पेपर उठाओ, लेटर लिखो और उस लेटर की फोटो खींच करके बंदे को भेजो या बंदी को भेजो, 100% मान जाएगी। और अगर लिखने का हैबिट नहीं है तो वॉइस नोट रिकॉर्ड करो, पहली चीज़ पेपर पे लिखना, दूसरी चीज़ वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना, क्योंकि क्या है ना, जब आप एक तरफा कम्युनिकेशन करते हो ना, फ़ोन करने की कोशिश मत करो कभी भी, जो इंसान नाराज़ उसको फ़ोन पर फ़ोन मत करो, उसका इरीटेशन और बढ़ जाएगा, प्लस चार बातें सुनने को मिलेंगी क्योंकि सामने वाला नाराज़ है, राइट? तो सामने वाला जब नाराज़ होता है तो आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि उसको आपके एफर्ट्स दिखें, एक छोटा सा गिफ्ट भेज दो, उसमें एक छोटा सा नोट डाल दो, या फिर उसको एक वॉइस नोट या लेटर लिखो जिसमें आप अपने दिल की बातें लिखो, और यू नीड ऑल्सो टू मैंशन हाउ दे हैव एक्चुअली मेड योर लाइफ बेटर एंड वॉट ऑल यू डिड रॉन्ग। इफ यू हैव डन समथिंग टेरिबली रॉन्ग टू देम, एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड यू जेन्युइनली एक्सेप्ट इट एंड से कि आई विल नेवर डू दैट अगैन। एंड जहाँ जहाँ पे भी आप अपनी गलती का एहसास करते हो ना,
सन वाला वैसे ही मेल्ट हो जाता है, बिकॉज दैट इज हाफ ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. यू नो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मेरी गलती नहीं थी बट फिर भी सॉरी, नोबडी विल अंडरस्टैंड. एम आई राइट शॉ? एम आई राइट सशांत? व्हाट डू यू थिंक? है ना? BFF वैसे GFF क्यों नहीं? मतलब हाँ सशांत जी रस्सी हूँ. I will let you know when I'm coming to Bangalore, but I shall be coming there soon. I love the city of Bangalore. I love it, love it, love it so much. बताओ, बताइए. जल्दी से बोलिए फिर मैं जाती हूँ. स्टडी क्या पढ़ रहे हो आप? आपको फोटो देख पा रही हूँ मैं. आर यू इन कॉलेज? वेल, वट एवर द प्रॉब्लम इज इन योर स्टडीज, जस्ट नो कि पढ़ाई करना किसी को अच्छा नहीं लगता. टाइम बीइंग की बात है, कुछ सालों की बात है, फिर ये पढ़ाई से ना पीछे छूट जाएगा. हमारा तो छूट गया, बड़े खुश हैं हम पीछे छुड़ा के, तो छूट जाएगा. इसलिए जितना करना है अच्छे से करना है. नंबर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, करियर डिपेंड करता है, जॉब डिपेंड करती है. अभी थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो लाइफ भी आसान हो जाएगी. तो फिर अल्टीमेटली बात इस मुद्दे पे आती है कि या तो अभी मेहनत कर लो, सुकन्या ये तुम्हारे लिए भी है बहुत जरूरी है, या तो अभी डिस्ट्रैक्ट ना हो और मेहनत करके लाइफ अच्छी बना लो अपनी, या फिर अभी भी टाइम पास करो और लाइफ टाइम फिर परेशान होते रहो. और ये हकीकत है, यह हकीकत ही है. मैंने इतने लोगों को देखा है. इनफैक्ट समबडी इन माई फैमिली ऑल्सो वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, तो कभी पढ़ाई नहीं करी. Now, like he is done with the school, college, and everything, and doing some random job for so less कि घर पे उसको झूठ बोलना पड़ता है कि उसकी सैलरी क्या है, और कहीं पे भी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं दिखता है बिकॉज उसका कॉलेज या स्कूल का स्कोर कम था एंड उसने पढ़ाई नहीं की. तो वो डिग्री भी काम की नहीं है अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते तो. इसलिए वॉट एवर इट इज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्क वेरी हार्ड. ओके, सी इट्स अबाउट माइंड सेट. पढ़ने के पहले अपने गोल को देखो ना. मैं मेरा रोज सुबह उठने का मोटिवेशन पता है क्या है? मेरा बड़ा सपना, मेरा सबसे बड़ा सपना कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ और उनकी ज़िंदगी में एक डिफरेंस बनाऊँ. वो एक ऐसा सपना है ना जिसके लिए मुझे रोज़ जल्दी उठ करके कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही करनी पड़ेंगी, चाहे जो हो जाए. रियाज मुझे करना ही पड़ेगा अगर मुझे सिंगर बनना है तो. अगर मैं सोचूँ कि यार पसंद नहीं है बट क्या करना करके, तो फिर वो होगा नहीं ना. इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को आसान बनाने के लिए उससे अटैच कर लो अपना गोल, एंड फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. गेटिंग मी? फिर है ना, दैट्स व्हाट आई मीन. ओके, सब लोग अपनी इनसाइड लिखिए जनरल पांच. बहुत अच्छा लगा आज. बताइए क्या चल रहा है. पता है मैं बस ये बोलूंगी ना, अभी लाइफ जैसी भी हो, दोस्त हैं, यार हैं, चिल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं भी हो रही हैं, मैं बस एक चीज बोलती हूँ हमेशा ना, सिर उठा के जियो यार, सिर उठा के जियो और बड़े सपने देखो. कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी. लाइफ इज एक्चुअली फुल ऑफ मैजिक एंड आप हैं बहुत स्पेशल. स्पेशली अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अपने मॉम डैड को खुश रखते हैं, आपको सब प्यार करते हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके सारे सपने पूरे होंगे. प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, मुझे लगता है हर एक साल ना हमारे सपने छोटे हो जाते हैं. मुझे याद है जब मैं नया नया बॉम्बे आई थी, मेरे सपने थे हॉलीवुड जाने के सीधा. मैं तो बोल लिखती रहती थी कि आई वांट टू बी एन हॉलीवुड बिग एक्ट्रेस. आई वाज टू इंस्पायर्ड बाय केट विंसलेट एंड टैटम काइंड ऑफ. सो वो करना ही करना था मेरे को. आई वांटेड टू बी इन हॉलीवुड एनी फकिंग हाउ, एंड आई यूज्ड टू लाइक मेक विजन बोर्ड्स. आई स्टिल हैव दोस विजन बोर्ड्स एंड दैट इज स्टिल लाइंग देयर. बट धीरे धीरे ना मेरा वो सपना ना डिमिनिश हो गया. अब मैं सोचती ही नहीं हूँ हॉलीवुड के बारे में, या लगता ही नहीं कि वो पॉसिबल है.
वो शायद इसलिए होता है बिकॉज लाइफ में इतनी बार रिजेक्शन मिल जाता है. आप अपनी कंट्री में कई बार स्ट्रगल करते हो, नहीं समझ आता क्या करना है क्या नहीं करना है, बट समटाइम्स समथिंग वर्क, समथिंग क्लिक, समटाइम्स इट डजंट क्लिक. तो तब तो मुझे समझ में आता है कि अगर मेरे सपने मैं थोड़े से नीचे कर लेती हूँ ना, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी रिजेक्शन मिला होगा या मॉम डैड ने मना कर दिया होगा, तो आपको लगा होगा कि यार नहीं यार ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं ये सपना ही क्यों देखूँ और हर्ट हो जाऊँ. इसलिए आप कंफर्टेबल जीने लग जाते हो. लेकिन आई चैलेंज यू बाबा, आई चैलेंज यू टू वाइल्ड टू हैव वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स. यू नो देर आर केसेस जहाँ पे फैन के साथ सेलिब्रिटी ने शादी तक की है. दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रू लव, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू पैशन फॉर समथिंग और समवन. सो एनीथिंग इज पॉसिबल. आई मीन इमेजिन मोदी जी चाय वाला थे, अगर वो नहीं सोचते इतना आगे बढ़ने का तो बन पाते क्या? ऐसे तो कितने चाय वाला है जो हमेशा वही रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी रियलिटी जो करेंट है वही उनका फ्यूचर भी होने वाला है. तब तो किसी भी कोने में हो दुनिया की, होप नहीं छोड़ना, उम्मीद नहीं छोड़ना, सपने बड़े देखना. अगर कोई चीज़ इंस्पायर करती है, किसी की लाइफ इंस्पायर करती है, कोई मूवी इंस्पायर करती है, तो ये जानो कि शायद वो आपका पैशन है. यू आर मेंट टू डू दैट, यू आर मेंट टू बी फॉर दैट जॉब एंड वर्क. कोई भी चीज़ रैंडम नहीं होती. किसी मूवी में अगर आप सुपरस्टार देख रहे हो या किसी की कहानी, जैसे कि कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज नहीं होती हैं, जैसे कि जर्सी थी, फिर जर्सी के बाद में बहुत सारी मैरी कॉम आई, या इंग्लिश मूवी में हम बात करें तो विप्लैश करके एक फिल्म है जो बहुत इंस्पायरिंग है. इस तरीके जो इंस्पायरिंग फिल्म होती हैं जहाँ पे इंसान का करियर बनते देखते हैं हम, या किसी के सपने पूरे होते देखते हैं, तो बड़ा इंस्पायरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि अरे ये तो इन्फ्लुएंस है फिल्म का, थोड़ी देर के लिए रहेगा. आपको मालूम है जब मैं हॉस्टल में थी, मुझे याद एक रात को मैं बहुत डिप्रेस हो रही थी. मैं डिप्रेस थी उस टाइम पे, कॉलेज लाइफ बहुत बेकार था मेरा. तो मेरे फ्रेंड का लैपटॉप था, उसमें ना बहुत सारी डाउनलोडेड मूवीज थी. वीसीआर प्लेयर बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, वो टोपी वाला जो एक ऑरेंज कलर का प्लेयर होता है, वीएलसी प्लेयर, उसके फॉर्मेट में थी. तो मैंने बहुत सारी फिल्म देखी, उसमें एक फिल्म का नाम था द सीक्रेट. मैंने कहा यार ये बड़ा इंट्रीगिंग नाम है, सीक्रेट. पता करते हैं क्या सीक्रेट है, कौन सी फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर लग रही है. मैंने प्ले किया तो पता चला कि वो डॉक्यूमेंट्री थी द सीक्रेट की, वो भी हिंदी में. एंड उस दिन के बाद से, उस फिल्म को देखने के बाद से जो मेरी लाइफ बदली ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो दिन था और आज का दिन है. मैं आज मैं यहाँ पे, अगर मुझे किसी चीज़ को क्रेडिट देना है अपनी सक्सेस का, तो मेरे ख्याल से वो एक रैंडम फिल्म को मैं दूंगी जो मैंने रैंडमली देखी, पता है, और मुझे एक रास्ता मिल गया. क्योंकि यार हम लोग ना इतने ज़्यादा अकेले होते हैं जब अकेले पढ़ने आते हैं, और अपने दोस्त भी अपने जैसे गधे होते हैं, राइट, उनको कुछ नहीं पता होता. तो ना कोई चाहिए समझाने वाला, कुछ चाहिए गाइड करने वाला, कुछ चाहिए बताने वाला कि यार इट्स ओके टू फील सैड. हर कोई सैड फील करता है, वन नंबर टू, हर किसी का दिल टूटता है और हर किसी को ये फील कराया जाता है कि दे आर नॉट गुड इनफ. पेरेंट्स से लेकर के लवर से लेकर के भाई से लेकर के बहन तक कोई आपकी वैल्यू नहीं करता कई बार, और आपको लगता है कि आपको कुछ बनना पड़ेगा कुछ साबित करने के लिए. कोई नहीं बताता कि अपने लिए करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा आसानी होगी और कम डिसअपॉइंट होगा. सब दूसरों के लिए बोलते हैं, है ना. तो जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे गाइडेंस मिला यार कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभी के लिए मैनिफेस्ट ही करो, बड़ा तो सोचो, बाकी वो होगा कैसे, उसका रास्ता अपने आप निकलेगा. अपेरेंटली मेरी जिंदगी मिरेकल इसलिए ही है बिकॉज मैंने सिर्फ ड्रीम किया, बड़ा लिखा उसके बारे में, मैनिफेस्ट किया, और धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 10 साल लगा, लेकिन मैं आ गई यार जहाँ आना था. आज की डेट में मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ, अपनी मर्जी से मैं चाहे जहाँ ट्रैवल करने जा सकती हूँ. सिर्फ सोचो यार, मैं अपनी टिकट करके सिर्फ हैदराबाद जा करके आ गई, सिर्फ उस आधे घंटे के गाने, 15-5 मिनट के गाने के लिए मैं हैदराबाद गई. कैन यू बिलीव इट, इट्स अ बिग डील फॉर मी, यू नो. वो अफोर्ड कर पाने अपने आप में बड़ी डील है. तो आई फील एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड वेरी हैप्पी दैट आई कैन डू इट. एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दैट आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. कोई फर्क नहीं पड़ता कितने साल की हो, शादी हो गई, ब्रेकअप हो गया, तलाक हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. एज लॉन्ग एज यू आर होपफुल, होप को मत जाने दो, पॉजिटिव रहो, एंड प्लीज फॉर गॉड से ड्रीम वेरी बिग एंड एक्ट ऑन इट. एक्टिंग वाला जो पार्ट है ना, किसी चीज को देखना, सबको देखना काफी नहीं होता. हमेशा आसपास देखते रहो, कान खुले रखो, आंखें खुली रखो, अपनी कंपनी सही रखो.
है ना, सही लोगों से दोस्ती करो, गाइडेंस अपने आप मिलेगा, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीने के लिए गए, आपको पता है ना, कंगना रनावत सीसीडी में कॉफी पी रही थी, जहाँ उसको पहली बार स्पॉट किया गया, बिकॉज डायरेक्टर को वैसे लुक वाली लड़की चाहिए थी, उसको स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया एंड वो सिलेक्ट हो गई। नाउ द थिंग हियर इज, अगर उसको, चलो माना लक है कि वो स्पॉट किया गया, उसको देखा गया सीसीडी में और डायरेक्टर को पसंद आई, लेकिन अगर वो एक्ट्रेस ना होती या उसने अपनी एक्टिंग पे शुरू से काम ना किया होता, तो उसको वो फिल्म नहीं मिलनी थी। इतनी बड़ी मैजिक होने के बाद भी कोई उसको पूछता नहीं। मैं फॉर एग्जाम्पल अपना केस लूँ, अगर 1920 1919 में आपने मेरे को मोस्ट गूगल्ड बनाया, 30 मिलियन लोगों ने सर्च किया ओवरनाइट, कहने को सेंसेशन था, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसी खबरें ना, या इंसान जो ऊपर इतनी जल्दी जाता है वो बहुत जल्दी नीचे भी आता है, उसका करियर रुक जाता है। बट मैं अभी तक रेलिवेंट हूँ, मैं अभी तक न्यूज़ में हूँ, मेरी ऑडियंस अभी भी ग्रो कर रही है, वो इसीलिए क्योंकि उसके पीछे उसके पहले का हार्डवर्क और फेमस होने के बाद का हार्डवर्क कंसिस्टेंट है मेरा। मैं अभी भी लगी रहती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको पता है, मैं अभी अभी ना ऑटो से जाकर आई, मैं गई थी बांद्रा तक, क्योंकि मेरे को कार चलाने का मन नहीं था, ड्राइवर छुट्टी पे है। मैं कार से वहां तक सिर्फ इसलिए गई कि मैं बुक स्टोर जा करके आप लोगों के लिए रील बना पाऊँ, आप लोगों के लिए मैं बुक्स की रिकमेंडेशन दे पाऊँ, और अपने लिए मैं कोई कोई वो सेम बुक्स खरीद करके लाऊं और उसको पढ़ने के बाद उसमें से अच्छी अच्छी चीजें आपको बता पाऊँ। यू बिलीव इट? तो ये छोटे छोटे एफर्ट जो मैं अपनी जिंदगी में रोज डालती रहती हूँ, लिखना, पढ़ना, जल्दी उठना, डाइट करना, ये सब करना अच्छा थोड़ी लगता है मेरे को, बट करती हूँ क्योंकि सपना बड़ा है। तो दोनों चीजों को मैच होना भी जरूरी है, इसीलिए कुछ नहीं पता क्या करना है तो स्टार्ट करो, बड़ा सपना देखना, सब हो जाएगा। नाना लिविन के लिए नाउ ओपनिंग द कमेंट सेक्शन फॉर अ बिट, इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग यू कैन, सो दैट आई कैन आंसर यू बिफोर आई गो। यू गुड नाइट स्वीटहार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई डिड साउंड डिफरेंट टुडे in a good way? She feels better than I was a little bit. Sure, you are a very good looking man, yeah? See, I tell you what. I would suggest how sweet. Sure, first of all, you are a very charming guy. Sometimes ladkiyan aisa bolti hain that they like you more than their boyfriends. Sometimes you get their work done, or sometimes it's very momentary. You know, जो लड़की प्यार में किसी और के साथ है, relationship में किसी और के साथ है, when she is having physical relationship with somebody, यकीन मानिए, she'll always have 70% inclination towards him than you. However nice you are and whatever you do with for her, there are chances that you know she will never be actually inclined towards you. दो केसेस मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, एंड ही वॉज ओनली अ फ्रेंड। अपेरेंटली दिस बॉय वॉज इन अ ग्रुप ऑफ लाइक 3-4 पीपल एंड इट वॉज इन स्टारबक्स कार, एंड आई वेंट देयर टू आस्क फॉर अ पेन। तो ये 4 लोगों का ग्रुप था, मैंने इन लोगों से बात करना शुरू की ऐसी रैंडमली, क्योंकि मैं बोर भी हो रही थी, मैं अकेले अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने पहले जस्ट हैव अ ब्रेक एंड टॉक टू सम न्यू पीपल, एंड देयर आई स्पोक टू दिस बॉय, वेरी गुड लुकिंग बॉय, हाँ, एंड इंस्टेंटली आई थिंक ही हैड दिस इंस्टेंट कनेक्शन विद मी, एंड देन वी स्टार्टेड मीटिंग, ऑल ऑफ अस स्टार्टेड हैंगिंग अराउंड एज अ ग्रुप, एंड कुछ टाइम के बाद ना उसने मेरे को प्रपोज किया, शोइंग दैट ही लव्स मी एंड ऑल दैट, एंड ही सेड ही डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न and all of that. And at that time I was dating someone, so and I used to meet him because it was very comfortable seeing him. It was like a good comfort to have someone else other than your boyfriend, and you know, I enjoyed other company, I enjoyed other people's company than my own boyfriend sometimes. It's all that normal hai, kyunki kya hai na, sirf relationship mein rehna, एक ही बंदे के साथ पूरा टाइम बिताना और कोई फ्रेंड सर्कल का ना होना कैन बी एक्सट्रीमली बोरिंग। सो यू ट्राई एंड लुक फॉर फ्रेंड्स आउटसाइड, यू ट्राई एंड लुक फॉर
one person, one guy outside relationship who you can meet secretly and all that. People do that. Not necessarily they love you. She might be actually enjoying more with you because you're a nice guy, you are entertaining, you are interesting, all of that and more. And also, it's apart from her boredom that might have happened over a period of time with her boyfriend. It sometimes means nothing at all. I will tell you, don't take her word seriously. Women can be very tricky sometimes and they know how to get things done. So you should not trust their words. You should always trust their actions. How will you know whether she means what she says is if she actually suddenly starts to spend more time with you than her boyfriend, and if she is actually changing and not entertaining her boyfriend much, but you, she wants to meet you more often. This is always a sign of attraction towards someone new, you know. Bad for him, good for you. But if it is not the case, then I think it's just something that she felt in the moment, and it stayed in that moment only. It has not really been well thought before being said. What did I do when I felt my life is stuck and not moving anywhere after you tried? Mozambique, very good question actually. अपेरेंटली बहुत बार ऐसा होता है. अभी मेरा पूरा साल मैं आपको बताऊं 2000 ये वाला ईयर 2021 वाज अ वेरी स्टक पीरियड फॉर मी. शूटिंग हुई बहुत सारे शोज की लेकिन रिलीज कुछ नहीं हुआ. कमिटमेंट रुक गई एंड आई वाज गोइंग पैरानॉइड. मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा भी या नहीं होगा फेमस होने के बाद. आई डोंट वॉन्ट टू बी वन ऑफ दो सेलिब्रिटीज जो जहाँ पे हैं वहीं पर अटके हुए हैं और उनका लेवल नहीं बढ़ रहा. आई हैव बिग ड्रीम्स, बहुत बड़े सपने हैं मेरे. सो यू नो वट आई डिड इज मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज देखना शुरू करे, योगा करना शुरू किया. बिकॉज योगा का क्या है ना, माइंड बॉडी स्पिरिट कनेक्शन है. जब आप योगा करते हो तो उस 1 घंटे के लिए ना आपको एक्चुअल में इतना रिलैक्स फील होता है. बिकॉज मेडिटेशन फॉर सम पीपल इज वेरी डिफिकल्ट. तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो ना, देन स्विच टू योगा. एंड योगा से आपका माइंड रिलैक्स रहेगा पूरे पूरे दिन. एंड धीरे धीरे योर बॉडी विल ऑल्सो बी इन शेप. एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, आपका मेंटल स्टेट ऊपर आ जाएगा. यू विल कम अप विथ न्यू आइडियाज टू थिंक ऑफ वॉट टू डू नेक्स्ट. वन सेकेंड ऑफ ऑल यू 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 कीप डूइंग वॉट यू सपोज टू डू. लाइक इफ आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, जॉब अपॉर्चुनिटीज बाद में आती है, मेरी मेहनत पहले, मेरी तैयारी और मेरी मेहनत पहले आएगी. ठीक है, उसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो ना ही करना है. आई हैव टू डू माई रियाज एवरी डे विदाउट फेल, काम हो या ना हो. एक्टिंग एक्सरसाइजेस करना ही करना है, काम हो या ना हो. वर्कआउट करना ही करना है, काम हो या ना हो. वैसे ही अगर आप जॉब करना चाहते हो या अगर आप कोई स्किल पे काम करना चाहते हो, तो जॉब हो या ना हो उस स्किल को अच्छा करते रहो, अच्छा करते ही रहो. लाइक मेरा भाई फोटोग्राफर है, उसके बाद शूट नहीं भी होता है तो भी वो पूरे टाइम शूट करता रहता है या उसके बारे में वीडियोस देखता रहता है. अपने आप को अपडेटेड रखो, अपनी तैयारी में कमी मत रखो, कभी भी मत रखो. दूसरी चीज़, अच्छा फील करने के लिए, अच्छी उम्मीद कायम करने के लिए एक मेडिटेशन है, 6 फेज मेडिटेशन बाय विशेन लखानी, माइंड वैली अकेडमी का बंदा है. उसमें 6 स्टेप्स हैं, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है. लेकिन अगर इंग्लिश समझ में आती है तो वो मेडिटेशन ज़रूर करना, लाइफ बदल जाएगी आपकी भी. दूसरी चीज़, अपने सपनों के बारे में लिखो, अपने डाउट के बारे में लिखो, अपने दर्द के बारे में लिखो. दर्द के बारे में सबसे पहले लिखो, कोई चीज़ क्यों परेशान कर रही है, क्या तकलीफ़ हो रही है आपको, उसके बारे में लिखने से आपको खुद के आंसर खुद मिल जाएंगे. और जब वो आंसर मिल जाए लिखते लिखते, तो उन आंसर्स को भी लिखो. मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, इस एक एक्टिविटी ने ना मेरे को डिप्रेशन से निकाला है और लाखों रुपया खर्च करने से बचाया है, जो मुझे थेरेपी करके करना पड़ता. थेरेपिस्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जाना चाहिए अगर बहुत सीवियर केस है डिप्रेशन का, अदरवाइज वाई विड दे वॉन्ट टू एक्चुअली मेक यू फील फाइन, दे आर मेकिंग मनी ऑन यू, राइट? तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है उनका. और मैं एक्चुअली गई हूँ थेरेपिस्ट के पास, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको वो सजेस्ट करेंगे. मैं अभी कुछ टाइम पहले गई थी थेरेपिस्ट के पास, वो मुझे वो डिप्रेशन नहीं था, बट मैंने कहा आई वॉन्ट टू फील हैप्पियर, आई वॉन्ट टू बी मोर जॉयस, मोर हैप्पी, मोर सक्सेसफुल, मोर बिगर. तो उन्होंने मुझसे कहा कि 21 दिन तक 21 बार एक लाइन है जो मुझे लिखनी है, और वो लाइन थी दैट आई लविंगली टेक द चार्ज ऑफ माई लाइफ अगेन. बिकॉज मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ की जो जिम्मेदारी है ना, वो मैंने नहीं ली है.
मेरी लाइफ ऐसी हवा में फ्लो हो रही है, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ अपनी लाइफ के लिए, मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। तो अपनी लाइफ में एक्चुअल चेंज लाने के लिए मैंने वो लिखा 21 दिन तक, एंड उस 21 दिन में दोस्तों से मिलना बंद, 21 दिनों के लिए कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आप नहीं ले सकते, कॉफ़ी बंद करना पड़ेगी, अगर आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंकिंग स्मोकिंग हैबिट्स बंद करने पड़ेंगे, सारी ख़राब आदतें बंद करनी पड़ेंगी, एंड उसको रोज़ रात को सोने के पहले लिखना पड़ेगा। बहुत कमाल की एक्टिविटी थी, आप यकीन नहीं मानोगे, 23वें दिन से, 23rd डे से मेरे जितने भी कन्फ्यूजन थे ना वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया। आई हैव अ मैनेजर नाउ, टच वुड, हु इज़ मैनेजिंग ऑफ माई वर्क, माई मेंटल स्ट्रेस इज़ गॉन, इट हैज़ रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, आई एम प्लानिंग बेटर, आई एम लुकिंग बेटर, एंड आई एम सो मच एट ईज, एंड लाइफ इज़ गोइंग फॉरवर्ड। मेरे तीन तीन प्रोजेक्ट रिलीज हो गए, इनफैक्ट आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं थेरेपिस्ट के घर से बाहर निकली ना, मेरे पास तुरंत तभी मैसेज आ गया कि दिस थिंग ना पेरू सीसा सॉन्ग इज़ कमिंग आउट। इट वॉज द सेम डे वन आई वेंट टू थेरेपिस्ट, आई वॉज वेरी सैड, एंड दैट डे, दैट वॉज द डे माई पेरेंट्स ऑल्सो वर लीविंग, घर जा रहे थे वो एक महीने के बाद, तो आई चूज दैट डे टू गो टू द थेरेपिस्ट। सो ऐसी मिराकुलस चीज़ें होती हैं लाइफ में, ट्राई तो करो, डिसिप्लिन तो लाओ लाइफ में चीज़ों का, और बिलीव करो। डू यू हैव अ सोल्यूशन टू स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम रिबाउंडिंग? People don't change, sweetheart, and rebound is very bad for the other party. जो कर रहा होता है अपने आप को ऊपर निकालने के लिए वो तो ठीक हो जाता है, but the other person who is unaware of this suffers a lot actually. Rebounding से, rebound का मतलब होता है अपने हार्ट ब्रेक से बचने के लिए रैंडम लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाना, या फिर रैंडम सेक्स करना, अपने आप को पेन से बचाने के लिए दूसरों का सहारा लेना इज रिबाउंड, एंड इट्स नॉट विद द सेम पर्सन। आई शो, आई होप दैट द डेफिनेशन फॉर यू इज़ क्लियर। रिबाउंडिंग इज नॉट विद द सेम पर्सन एवर, इट्स ऑलवेज विद द न्यू पर्सन और योर एक्स, ओल्ड एक्स। सो थैंक यू, या so yeah, it is a thing, it's a thing, and I'm sure you're aware of it too, Sukanya. We all sometimes at some point feel like doing it, but I tell you what stopped me forever going for rebound, and I've told the guys to not fall for it at any cost, is because it's extremely extremely painful and hurtful for the other person, because you know that you're hurting, you're aching, you will use the other person, you will not have feelings for them whatever come may. And sometimes a person is like really, really trying to get your attention and your love, and they will suffer for years to come. It will be a messy relationship. So the only solution to avoid a rebound is to calmly tell them that we can be great friends, but I don't want a relationship until I come out of the old pain that I'm having, because I'm gonna have trust issues, I'm going to have feelings issue, I'm going to have fears of getting attached, I'm not in the right place right now. But I am sure I will be, and for that I don't want you to wait for me to get better. I want to work on myself, get better, and then come back in a better shape to love you and to give you what you deserve, not right now. So that's how you actually tell somebody that you're not ready to love, you know, and stop them from getting damaged. Is it a good one? I think it's a good one. It's a good one actually, yeah. I think I can cover this on a reel. Huh? It's a good question. Thanks. Chalo, meri jaan, I shall go now. It was lovely talking to you. I wish you all the very best. I was not planning on talking like this, but I felt like it was a great sure, you're amazing. Thank you, Rocky. Good night, guys. All the very best. You take care of yourself. And yes, I love you. I'm glad I came. I really am very happy. Thank you. See you.